स्टूडेंट वेलकम आज हम अध्ययन करेंगे क्लास इलेवेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर वन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर टू Three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Three reasons why the author's grandmother वॉज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टिड गोइंग टू दी सिटी स्कूल तीन कारण बताइए क्यों लेखक की दादी परेशान थी जब वह शहर के स्कूल जाने लगा थ्री रीजन्स वाई दी ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टिड गोइंग टू दिटी स्कूल आंसर का सेंटेंस नंबर वन द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन सी फाउंड दैट दी ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन सी फाउंड दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन सी फाउंड दैट लेखक की दादी परेशान थी जब उन्होंने पाया कि लेखक की दादी परेशान थी जब उन्होंने पाया कि आंसर के सेंटेंस नंबर वन में डिस्टर्बड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए इसमें एक बार आई फॉर आइसक्रीम एक बार यू फॉर अम्ब्रेला और एक बार ई फॉर एलिफेंट आया है आंसर का सेंटेंस नंबर टू देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स वहां ईश्वर और शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती थी वहां ईश्वर और शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती थी स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स का अर्थ है धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र इसकी स्पेलिंग में एक बार आई फॉर आइसक्रीम आया है देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स आंसर का सेंटेंस नंबर थ्री सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसंस इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसंस इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसंस इन इंग्लिश एंड साइंस वह अंग्रेजी और विज्ञान के पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी वह अंग्रेजी और विज्ञान के पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स in english and science answer ka sentence number 4 she was unhappy with the idea of music lessons as she considered music suitable only for people with low dignity she was unhappy with the idea of music lessons as सी कंसिडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर पीपल विद लो डिग्निटी सी वॉज अनहैपी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स एज सी कंसिडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर पीपल विद लो डिग्निटी वह संगीत शिक्षण के विचार से असहमत थी क्योंकि वह कम गरिमा वाले लोगों के लिए ही संगीत को उपयुक्त मानती थी वह संगीत शिक्षण के विचार से असहमत थी क्योंकि वह कम गरिमा वाले लोगों के लिए ही संगीत को उपयुक्त मानती थी सी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसंस एज सी कंसिडर्ड म्यूजिक ूटेबल ओनली फॉर पीपल विद लो डिग्निटी स्टूडेंट वेलकम आज हम अध्ययन करेंगे क्लास इलेवंथ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर वन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर टू थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल थ्री रीजन्स वाई ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल तीन कारण बताइए क्यों लेखक की दादी परेशान थी जब वह शहर के स्कूल जाने लगा थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टेड गोइंग टू दिटी स्कूल आंसर का सेंटेंस नंबर वन द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन सी फाउंड दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन सी फाउंड दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन सी फाउंड दैट लेखक की दादी परेशान थी जब उन्होंने पाया कि लेखक की दादी परेशान थी जब उन्होंने पाया कि आंसर के सेंटेंस नंबर वन में डिस्टर्बड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए इसमें एक बार आई फॉर आइसक्रीम एक बार यू फॉर अम्ब्रेला और एक बार ई फॉर एलिफेंट आया है आंसर का सेंटेंस नंबर टू देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स वहाँ ईश्वर और शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती थी वहाँ ईश्वर और शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती थी स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स का अर्थ है धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र इसकी स्पेलिंग में एक बार आई फॉर आइसक्रीम आया है देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्टचर्स आंसर का सेंटेंस नंबर थ्री सी कुड नॉट हेल्प हिम द हिज लेसन्स इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स इन इंग्लिश एंड साइंस वह अंग्रेजी और विज्ञान के पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी वह अंग्रेजी और विज्ञान के पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसंस इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसंस इन इंग्लिश एंड साइंस आंसर का सेंटेंस नंबर फोर सी वॉज unhappy with the idea of music lessons as she considered music suitable only for people with low dignity she was unhappy with the idea of music lessons as she considered music suitable only for people with low dignity she was unhappy विद the आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स as सी considered म्यूजिक suitable ओनली फॉर पीपल विद लो डिग्निटी वह संगीत शिक्षण के विचार से असहमत थी क्योंकि वह कम गरिमा वाले लोगों के लिए ही संगीत को उपयुक्त मानती थी वह संगीत शिक्षण के विचार से असहमत थी क्योंकि वह कम गरिमा वाले लोगों के लिए ही संगीत को उपयुक्त मानती थी सी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स एज सी कंसिडर्ड म्यूजिक सूटेबल ओनली फॉर पीपल विद लो डिग्निटी स्टूडेंट वेलकम आज हम अध्ययन करेंगे क्लास इलेवेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर वन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्वेश्चन नंबर टू Three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Three reasons why the author's grandmother वज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टिड गोइंग टू दिटी स्कूल तीन कारण बताइए क्यों लेखक की दादी परेशान थी जब वह शहर के स्कूल जाने लगा थ्री रीजन्स वाई दर्स ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड वैन ही स्टार्टिड गोइंग टू दिटी स्कूल आंसर का सेंटेंस नंबर वन दी ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन सी फाउंड दैट दी ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्बड वैन सी फाउंड दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड वैन सी फाउंड दैट लेखक की दादी परेशान थी जब उन्होंने पाया कि लेखक की दादी परेशान थी जब उन्होंने पाया कि आंसर के सेंटेंस नंबर वन में डिस्टर्बड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए इसमें एक बार आई फॉर आइसक्रीम एक बार यू फॉर अम्ब्रेला और एक बार ई फॉर एलिफेंट आया है आंसर का सेंटेंस नंबर टू देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स वहां ईश्वर और शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती थी वहां ईश्वर और शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती थी स्क्रिप्चर्स स्क्रिप्चर्स का अर्थ है धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र इसकी स्पेलिंग में एक बार आई फॉर आइसक्रीम आया है देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स आंसर का सेंटेंस नंबर थ्री सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसंस इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसंस इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसंस इन इंग्लिश एंड साइंस वह अंग्रेजी और विज्ञान के पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी वह अंग्रेजी और विज्ञान के पाठों में उसकी सहायता नहीं कर सकती थी सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स इन इंग्लिश एंड साइंस सी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स In English and science. Answer ka sentence number four. She was unhappy with the idea of music lessons. As she considered music suitable only for people with low dignity. She was unhappy with the idea of music lessons. As सी कंसिडर्ड फॉर पीपल विद लो डिग्निटी सी वॉज अनहैपी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स। एज सी कंसिडर्ड म्यूजिक सुटेबल ओनली फॉर पीपल विद लो डिग्निटी वह संगीत शिक्षण के विचार से असहमत थी क्योंकि वह कम गरिमा वाले लोगों के लिए ही संगीत को उपयुक्त मानती थी वह संगीत शिक्षण के विचार से असहमत थी क्योंकि वह कम गरिमा वाले लोगों के लिए ही संगीत को उपयुक्त मानती थी सी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स एज सी कंसिडर्ड म्यूजिक suitable only फॉर पीपल विद लो डिग्निटी आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में दो वीडियो दिखाई दे रहे हैं आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें